न्यूज़ के साथ में। मेरे साथ में है अभी इंचार्ज यहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर वजीउद्दीन। हम इनसे बात करेंगे। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग आकर यहाँ पे वैक्सीन फर्स्ट ले रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स क्या है। हम बात करेंगे डॉक्टर वजीउद्दीन से। वजीउद्दीन साहब, अभी यहाँ पे किस किस लोगों को यहाँ पे वैक्सीन दिए रहे हैं? यहाँ पे गवर्नमेंट के तरफ से जो है यहाँ पर लोग स्पेशल ड्राइव स्टार्ट करे है। ये लोग जो है वेजिटेबल वेंडर्स रहने दीजिए, किराना शॉप रहने दीजिए, या कोई भी आयरन करने के लिए वो लोग जो नॉर्मल पीपल है, वर्कर्स, जिसको वैक्सीन अब तक नहीं पहुँच सकी एंड जिससे लोग ज़्यादा फैला, अगर जिससे डर है कि जिससे ज़्यादा फैल सकता है, क्योंकि तो 10 लोग आपके शॉप पर आते हैं वैक्सीन इन लोग को देने के लिए। गवर्नमेंट पहले जो है ये बात स्टार्ट कर चुकी है कल से। आज जो है डेली टारगेट जो है यहाँ पे पूरे हैदराबाद में 30 सेंटर कायम किए गए हैं। यहाँ पर एक सेंटर है मुमताज़ कॉलेज में, ये पूरा एरिया जो है GHMC वाइज सर्किल वाइज डिवाइड करे है। 30 सर्किल्स में सेंटर्स बना चुके हैं, फंक्शन हॉल्स लेकर, स्कूल्स लेकर, कॉलेजेस लेकर। गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू किया है कल से। डॉक्टर वजीउद्दीन साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, एज लिमिट कुछ है क्या यहाँ पे, जैसे कि बच्चों को दे रहे हैं और बड़ों को दे रहे हैं? सर, अभी तो 18 एबव से शुरू कर चुके हैं। 18 एबव से लेकर 60 ईयर्स तक भी वैक्सीन दे रहे हैं। पहले जो था सिर्फ अबव 45 दे रहे थे, बट स्पेशल ड्राइव के लिए बिलो 45 ही शुरू कर चुके हैं। अबव 18 से लेकर आप जितनी भी एज का ले सकते हैं। और एक बात थी, ये वैक्सीन फर्स्ट है तो सेकंड वैक्सीन कब ले आ जाएगा? अभी फर्स्ट वैक्सीन देने के बाद कोविशील्ड जो दे रहे हैं यहाँ पर, 84 डेज के बाद सेकंड डोज देना है आपको। सर, कितने सारे लोग यहाँ पे वैक्सीन ले चुके हैं यहाँ पर? कल ऑलमोस्ट 800 पीपल ले चुके हैं। अभी यहाँ पर 600 पीपल कवर हो चुके हैं। डेली टारगेट जो है 1000 है। कूपन दे रहे हैं, हर दुकान में जाकर, हर गली में जाकर, जहाँ पर भी किराना शॉप रहने दीजिए, मेडिकल स्टाफ रहने दीजिए, जो भी शॉप थे वहाँ पर हम क्वालिटी GHMC की तरफ से वो लोग जाकर खुद अपने तौर पर रजिस्टर में लिखते हुए वो लोग को कूपन दिया जा रहा है। एंड वो सिर्फ कूपन लेकर आए तो ही आपको यहाँ पर वैक्सीन मिल रहा है। यहाँ पर ऑन स्पॉट आप चल कर आएंगे तो आपको वैक्सीन नहीं मिलेगी। जो कूपन लेकर आएंगे तो ये आपको वैक्सीन मिलेगा। कूपन किस तरह से लेना चाहिए लोगों को यहाँ पर? कूपन जैसे कि कुछ ऑनलाइन लेना है या गवर्नमेंट से या GHMC डिपार्टमेंट को जाकर लेना है? टाइमिंग मॉर्निंग 6 o'clock से लेकर 10 o'clock तक जो शॉप से GHMC वालों की तरफ से उन लोग के जो पब्लिक जो लोग के वर्कर्स है वो लोग दुकान हर गली में जाकर, दुकान जो भी ओपन है वो लोग के मेम्बर्स को वहाँ पर दे रहे हैं। ऑनलाइन कूपन नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। पब्लिक का फीडबैक क्या है यहाँ पर? पब्लिक का फीडबैक अलहमदिल्ला से बहुत अच्छा है। लोग बहुत खुश है कि वो लोगों को कंसिडर किया गया है एंड बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। और ये क्या है बोले तो, रूमर जो फैल रहे हैं वैक्सीन लेने के बाद में कुछ बॉडी पेन्स हो रहे हैं, ऐसा कुछ टॉक चल रहा बाहर कुछ? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, एक छोटे से बच्चे के जो पैदा हुआ बच्चा रहता है उनको वैक्सीन देने के बाद ये कि उनको बुखार आता तो वो एक साइड इफेक्ट है। एंड वैक्सीन लेने के बाद हर किसी को एक माइल्ड बॉडी पेन या फीवर रहेगा, नो डाउट इन दैट। बट उसको जो है ये सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर के वैक्सीन लेने के ऊपर तरह तरह के मैंने भी किया पड़ा हूँ। मैं लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ों पर ध्यान मत दें। जो ऑलरेडी कोविड आ चुका है लोग उसका ट्रीटमेंट ले लिए, उन लोग भी वैक्सीन लेना है यहाँ पर आकर? कोविड एक बार पॉजिटिव हुए बाद आप 3 months तक वैक्सीन नहीं लेना। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट शेड्यूल के हिसाब से आप 3 months तक वैक्सीन नहीं लेना। 3 months के बाद पॉजिटिव होकर आप नेगेटिव हुए, 3 months के बाद ही आपको वैक्सीन दिया जाएगा। अभी सुन रहे थे आप, जिसको भी अगर COVID-19 पॉजिटिव आ चुका है उसको आफ्टर 3 months के बाद में उसको इंजेक्शन लेने का है वैक्सीन, उससे पहले बीच में लेना नहीं है, एक बात समझ जाइए आप लोग। और मैं अभी डॉक्टर वजीउद्दीन साहब के साथ में यहाँ पे मुमताज़ कॉलेज में था, उनसे बहुत सारी बात किया मैं आपकी जानकारी के लिए। अब मैं ये डॉक्टर वजीउद्दीन साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाह रहा हूँ। मैं मोहम्मद अशरफ अली, GHP न्यूज़ के साथ में। अब लाइक और शेयर कीजिए, आगे चलकर मैं आपको बहुत सारे वीडियोस दिखाऊंगा। मैं वैक्सीन तीसुकुना रहा मेरे इप्पुडु एम फीलिंग्स है तुम्हें की इप्पुडु नथिंग सर एम फीलिंग्स एम रावट्ले ओके चला मंची कंपनी कैजुअल गा వచ్చి తీసుకున్నట్టు మీకు అనిపియదు కూడా అంతే ఓకే పబ్లిక్ వాళ్ళ వీళ్ళ మాటలని ఓకే టెన్షన్ పెట్టుకొని వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే సంథింగ్ ఏదో అవుతుంది, చైన్ ఒక్క పెడుతుంది, అవన్నీ పిచ్చి మాటలు, ఏం పట్టించుకోకండి, డైరెక్ట్ గా రండి ఇక్కడ, సింపుల్ గా వేసుకొని హాయిగా వెళ్ళిపోండి, అంతకు మించి చెప్పేది ఏం లేదు. వ్యాక్సిన్ ఫస్ట్, వ్యాక్సిన్ ఫస్ట్ ఓకే. అయితే దీనిలో సెకండ్ వ్యాక్సిన్ కూడా ఉంది, ఇప్పుడు తీసుకోవాలి, అది కొద్దిగా మీకు తెలుసా? వితిన్ 45 డేస్ అండి. 45 డేస్ లో మళ్ళా ఇంకొకటి వచ్చి తీసుకోవాలి. जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी प्रेजेंट मुमताज कॉलेज में GHMC की तरफ से यहाँ पे अच्छा इंतजाम करे हैं मुमताज कॉलेज के अंदर, और 5 मिनट के अंदर ऐसा टीका दे दिए वैक्सीन वैक्सीन दिए
वैक्सीन दिया गया दी है यहाँ पर। अच्छा है, वो बहुत जल्दी जल्दी अच्छा इंतजाम हो रहा है यहाँ पे। पब्लिक को ऐसा आके यहाँ लेना चाहिए, सब जने आके यहाँ पे ये सब बेहतर रहता। जो जो भी टोकन है इनके पास, टोकन लाके तो टोकन कैसा है आपके पास में? जीएचएमसी वाले लाके दिए। जीएचएमसी वाले? आप जॉब करते हैं? आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप? नहीं नहीं है, गवर्नमेंट नहीं जी। डायरेक्टली घर पे आके दिए? प्राइवेट एम्प्लॉय आप? घर पे आके हमको जीएचएमसी वाले देते हैं टोकन दिया। तो फर्स्ट वैक्सीन लिया? अभी फर्स्ट वैक्सीन लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, शुक्रिया।